हेलो एवरीवन, शेयर कर रही हूँ छोटा सा मिनी व्लॉग, आप इसको कह सकते हैं। लड्डू सोई है, कनिका खेल रही है। मैं शेयर करने वाली हूँ नकवट का बॉक्स, मैं खोलने वाली हूँ और इसको बॉक्स में सेट करने वाली हूँ। इस पे ना मैंने माइक रखा हुआ था, ये माइक है तो साइज में इतना बड़ा और इतना कॉस्टली, लेकिन ये उसका मुकाबला भी नहीं कर पा रहा, जबकि अहूजा बहुत ओल्ड कंपनी है। ये देखिए मेरे इसमें पहिया है, लो प्राइज भी देख लो। MRP रेक्स 812, लेकिन सेलिंग प्राइस जिस वक्त मैंने खरीदा था 299 का मुझे मिला है। कोई मेरे को ये बताएगा कि अगर मैं पैसे के पीछे पागल हूँ तो मैं क्रंच वीडियो के लिए न्यू चैनल क्यों बना रही हूँ? इतनी सारी क्रंच वीडियो अगर मैं मोनेटाइज चैनल पर डालती हूँ वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा या नहीं? पता नहीं इनका दिमाग क्यों उस चीज़ पर जाके अटक जाता है। आई डोंट नो, इतने नेगेटिव लोग। मैं तो पहले कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अब तो इन्होंने हद ही कर दी। जैसे इसको मैं क्लीन भी करूँगी, लेकिन क्लीनिंग वीडियो मैं अलग चैनल पे शेयर करूँगी। अभी मैं आलतू फालतू चीज़ें ज़्यादा दिखा रही हूँ ना आप लोगों को। ये है इसका सबसे बड़ा चांस जो मेरे से उठा नहीं, और अकॉर्डिंग टू मी ये 7-8 किलो का है, क्योंकि इसके बराबर मैं आटे का कट्टा लेके आती हूँ तो 10 किलो। पॉलिथीन में बाहर निकाल लूँ, पर पॉलिथीन छपी हुई है तो ये जितना पॉलिथीन मारता है उतना ठीक है, बाकी सब ये तो पॉलिथीन जैसे भी छपी है। अरेंजमेंट आपको जितना अच्छा लगता है ना स्टोव का अरेंजमेंट, उतनी इसमें मेहनत भी होती है। और मेरे लिए ये बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली आया है। अब सारी चीज़ें मैं इसकी निकालती हूँ, टेस्ट वगैरह। बच्चे सोए हैं अभी, मैं आपको ये भी नहीं कह सकती चलो मैं आपको घर का टूर कराती हूँ, घर के टूर में उठ जाएंगे। कनिका खेल रही है बालकनी पे, मैंने आज खोला इसको, जब से आया है तब से मुझे टाइम नहीं मिला। आज टाइम इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने किसी के लिए टाइम निकाला था, वो आए नहीं। यही तो बात है, मैं सोचती हूँ अगर ये पूरा बड़ा चंक मुझ तक आ जाता तो इसको मैं खाती कैसे? वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा ये देखिए मेरा स्टोव, मैं आपको दिखा दूँ। चांदारा ब्रांड, रेड सेलिस्टोन का ब्रुकन, ये बिग सेलिस्टोन, ये वाइट वाला सेलिस्टोन थिक वाला, मैंने थिक ही रखा हुआ है, इसकी लेयर नहीं निकाली। ये मुल्तानी इतनी बची है 4 किलो में से, इसमें भी ब्रोकन है, इसमें भी ब्रोकन है। ये देखो जहार, ये देखिए है ना कवर कर रखा है, इसमें स्लेट पेंसिल है, ये क्लीन होंगे। टाइनी ट्राइंगल्स उधर भी वो क्लीन हो गई। ये रोस्टेड मुल्तानी, ऊपर थोड़ा सा ज़रूरत का सामान रखा है, लेकिन ये रोस्टेड मुल्तानी मैंने सुबह क्रंच की थी ना वो है। ये आ जाते हैं हम अपने औजार की तरफ। ये मेरा औजार का ऑपरेशन वाला जो बॉक्स है, जो मैं मट्टी का ऑपरेशन करती हूँ। अरे इसको रब करके देखें, ये बहुत अच्छे से हो जाता है, बस ज़्यादा नहीं करते। ये बॉक्स है नकुमट का, उसका बटर ग्रे नकुमट का, ये वाइट का बॉक्स, ये वाइट का बॉक्स, ये क्ले पॉट का, ये मटकी, ये रेड सेलिस्टोन, ये हमारा कैप्चर कार्ड, ये हमारा रेड का बॉक्स, ये हमारा ब्लैक का बॉक्स, ये मेरा लोअर, जो मेरा लोअर ऐसा हो जाता है। ये देखिए ये रहा के, ये रहा 6, ये रहा 9 भी ले रही हूँ तो मैं इसकी लेयर निकल गई ना 6 की। ये टूटा हुआ फ्लोवर, टूट गया ये फ्लोवर, नीचे ये दो प्राइज शेप, ये ब्रोकन, ये ब्लैक एंड शेप डिबार का डिब्बा है। ये देखिए इतनी बची है, मैं थक गई हूँ, चाय पी के बनाती हूँ मैं और वीडियो बाद में मिलते हैं। मैं थक गई हूँ इसको निकालने में, ये धूल चढ़ सी रही है, तब तक धूल भी थोड़ा बैठ जाएगी, मैं इसको निकाल लेती हूँ। अरे नीचे वाले तो टूट ही जाएगा ना, अब
अब इसमें ये पाउडर पाउडर रह गया, जब तक ये धूल से थोड़ी बैठ जाएगी और फिर आके क्लीन करते हैं। क्लीनिंग वीडियो मैं बना लूँगी, वो तो मैं अलग ही शेयर कर दूँगी, क्योंकि इस चैनल का कंटेंट नहीं है ये और मैं इस चैनल पर डालना भी नहीं चाहती। हाथ से भी छूट गया पहले, बचपन में खेलते थे ना, 1 2 3 ऐसे करके, ऐसे पूरा क्लीन करूंगी, धूल थोड़ी बैठ जाए, धूल उठ रही है। चलिए मिलती हूँ मैं आपको बाद में रेगुलर व्लॉग में, मैं भी जा रही हूँ चाय पीने के लिए, बस बाद में क्लीन करेंगे इसको, इसमें से धूल उठ रही है, दुनिया भर का कूड़ा निकल गया है, ये देखिए ढेर ऊपर तक, इसको फेंक दूँ। अपने कपड़े मुझे चेंज करने पड़ेंगे, पहले क्लीन करूँगी आके तब कपड़े चेंज करूँगी। तो मिलती हूँ मैं आपको क्लीनिंग वीडियो में बनाऊँगी एक दो घंटे बाद, थोड़ा सा रेस्ट करके। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय। बताइएगा आपको मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरा ऐसा जो वक्त बीतता है मैं उसको भी शूट करने लगूंगी, जैसा आप कहेंगे। बाय।